तो दोस्तों, अगर आप एक जियो यूज़र्स हैं जो जियो की सिम यूज़ करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो होने वाली है बहुत ही अच्छी, यूज़फुल, धमाकेदार और इंटरेस्टिंग। क्योंकि फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे हम जियो के हर एक रिचार्ज पर 50 से 100 रुपये तक बचा सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जियो के टैरिफ प्लान अब कुछ महंगे हो गए हैं, तो बहुत सारे लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी थी। मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उसमें 50 से 100 रुपये तक आप बचा सकते हैं। वो कैसे है, उसका हर एक स्टेप मैंने जो है फ्रेंड्स इसमें पूरा प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप शुरू से लेकर एंड तक बताया। तो हर एक स्टेप को आपको पूरा फॉलो करना है, वरना आपको फुल बेनिफिट आपको जो है रिचार्ज पर नहीं मिलेगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने बताया है कि जिन लोगों को जियो का रिचार्ज नहीं आता है करना, जो दुकान पे जाके जियो का रिचार्ज कराते हैं, वो अपना जो है घर बैठे रिचार्ज कर सकते हैं। तो वो ट्रिक क्या है और कैसे आप अपने जियो के प्लान्स में 50 से 100 रुपये तक की बचत बड़े ही आराम से कर सकते हैं इस ट्रिक को यूज़ करके, तो आइए जानते हैं हम आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ टेक्निकल देव, आप देख रहे हैं न्यूज़ टेक्निकल ज्ञान। चलिए फिर से आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके माई जियो ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने इसको पहले से डाउनलोड कर रखा है तो प्लीज़ इसे अपडेट कर लीजिए। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो हम सिंपली इसे ओपन कर लें। तो ओपन करने में फ्रेंड्स, आप सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मेरा जियो का जो रिचार्ज है वो ख़त्म होने वाला है। उसमें आप देख सकते हैं कि टाइमिंग दिखा रहा है, अभी 22 घंटे करीब रह गए हैं, उसके बाद मेरा ये जियो का रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जियो के रिचार्ज को हम किस तरह से रिचार्ज करें कि हमारे 50 से 100 रुपये तक बच सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जियो नंबर का अपने ही मोबाइल से जियो ऐप के द्वारा रिचार्ज करते हैं, तो आप 100 रुपये कम से कम तो बचा ही लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप अपने कोई और नंबर इसमें पहले से जियो के दूसरे नंबर ऐड कर रखे हैं, तो उस पर आप 50 रुपये तक ही बचा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ स्विच अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ, तो इस तरह से अगर आप यहाँ पर दो नंबर शो रहे हैं, एक मेरा है और एक किसी और जियो यूज़र्स का है, तो अगर मैं अपने पे करता हूँ तो कम से कम मैं 100 रुपये तो बचा ही लूँगा। लेकिन अगर आप किसी और का करते हैं अपने मोबाइल से, मोबाइल के ऐप द्वारा, तो आपको जो है सिर्फ 50 रुपये का ही बेनिफिट मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, हम सिर्फ यहाँ पर अपने रिचार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम अपने रिचार्ज पर कैसे 100 रुपये तक बचा सकते हैं, उसके लिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे दो जगह जो है रिचार्ज का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर हम जो है किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो हम यहाँ पर फ़ोन नंबर के आगे जो है जो रिचार्ज का एक रेड कलर का बॉक्स बन के आ रहा है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है जियो के जो है टैरिफ प्लान्स यहाँ पर खुल के आ जाएंगे। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी एक प्लान ले लीजिए, लेकिन कम से कम वो 300 रुपये का होना ही चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं जो है 555 का प्लान जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे जो है ये प्लान 1.5 GB का पसंद है, तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, इस प्लान की आप जो है डिटेल को देख सकते हैं कि इस प्लान में आपको क्या क्या मिल जाता है। तो यहाँ पर जो ब्लू कलर का जो डॉट है, उसके बगल में जो एक रेड कलर का सर्कल बन के आ रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको इस प्लान के रिलेटेड जो है बेनिफिट्स तो शो हो जाएंगे। इसमें आपको जो है 1.5 GB पर डे का डाटा मिल जाता है, जियो टू जियो आपको जो है अनलिमिटेड कॉल है, और जियो टू नॉन जियो जो है 3000 मिनट आपको मिल जाते हैं। साथ ही 100 SMS पर डे के जो है आपको मिल जाते हैं, और वैलिडिटी आपकी जो है 84 डेज़ की है। तो उसके बाद फ्रेंड्स, हम बाय पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आप हर एक चीज़ को डिटेल से फॉलो करते चलिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हमारे जो है जियो की तरफ से हमें जो है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी 26 वाउचर जो है मेरे पास पहले के अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, ये जियो के जो वाउचर होते हैं जो हमें जियो की तरफ से मिलते हैं, ये हम अपने हर रिचार्ज पर अपने अगर मोबाइल द्वारा करते हैं तो अपने जो है रिचार्ज पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही मैं अप्लाई पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर जो है 50 रुपीज़ का मुझे जो है ऑलरेडी डिस्काउंट का जो एक ऑप्शन मिलता है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, हम अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। तो अभी फ्रेंड्स, मेरा जो रिचार्ज है वो 555 से घट के 505 का हो गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आप अपने नंबर के अलावा किसी और के जियो रिचार्ज का नंबर अपने मोबाइल से करते हैं, तो यहाँ पर कूपन अप्लाई नहीं होगा, ये कूपन सिर्फ आपके नंबर पर ही अप्लाई होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद 50 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट मिल गया। बाकी के 50 रुपीज़ के लिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, 50 कैशबैक ऑन फर्स्ट एवर UPI ट्रांजेक्शन बाय न्यू Paytm UPI यूज़र। यहाँ पर 50 रुपीज़ का जो है फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी फर्स्ट UPI ट्रांजेक्शन करते हैं किसी भी न्यू Paytm अकाउंट से जो अभी अभी क्रिएट किया गया हो, उसका पहला और उस अकाउंट की पहली UPI ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं, तो आपको 50 रुपीज़ का कैशबैक आपके जो Paytm में मिल जाएगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, आप नीचे देख सकते हैं कि 50 रुपीज़ का कैशबैक का सेम अमेजोन पे में भी मिल रहा है। उसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर UPI के जो 3 ऑप्शन दिख जाते हैं आपको, Paytm, गूगल पे और फोन पे। उसके बाद फ्रेंड्स, पेमेंट के आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड। उसके अलावा फ्रेंड्स, वॉलेट में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जियो, Paytm और फोन पे, जिनको आप लिंक कर सकते हैं अपने इस अकाउंट से। लेकिन फ्रेंड्स, हम यहाँ बात कर रहे हैं
कि हमें 50 रुपये का और डिस्काउंट कैसे मिलेगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम सिंपली फ्रेंड्स हम यहाँ पर जो है पे यूजिंग UPI ID जो एक रेड कलर का बॉक्स आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने पर फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रेंड्स हमें अपनी जो है पेटीएम की UPI ID को यहाँ पर डालना है। अगर आपको अपनी UPI ID नहीं पता है तो फ्रेंड्स मैं वो भी दिखा देता हूँ अपने इस पेटीएम अकाउंट में जाकर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं अपने पेटीएम अकाउंट में आ चुका हूँ। तो पेटीएम अकाउंट में आने के बाद फ्रेंड्स आपको पासबुक पर क्लिक करना है। पासबुक पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह से जो है आपका पेज खुल के आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम इस पेज को थोड़ा ऊपर कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं UPI पेमेंट एक भीम का जो है ऑप्शन बन के आ रहा है। तो आप इसके नीचे जो एक रेड कलर का बॉक्स देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इसमें जो लिखा आ रहा है कि भीम UPI ID, तो ये ID आपको जो है यहाँ से अपनी जो है देख लेनी है। उसके बाद फ्रेंड्स हम वापस से MyJio के रिचार्ज पर जाएंगे बैक करके और फ्रेंड्स अपनी जो UPI ID है वो यहाँ पर टाइप कर देंगे। फ्रेंड्स अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है, डिटेल को ध्यान से देखिए। अब आगे में जो स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर आपको ध्यान देना है और बिल्कुल इसी तरह से आपको ये प्रोसेस करना है, तभी आपको जो है 100 रुपये का बेनिफिट होगा। 50 हमको पहले कूपन में ऑफ हो चुके हैं, 550 का प्लान 505 का हो चुका है। और अभी उसके बाद फ्रेंड्स हमें जो है अपनी UPI ID डाल के पे नाउ का जो है क्लिक करना है। जैसे हम पेटीएम पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रेंड्स प्रोसेसिंग और पेमेंट फॉर 505 का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर बगल में एक 5 मिनट की एक वॉल क्लॉक आपको चलती हुई दिखाई दे जाएगी और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पेमेंट कंप्लीट करने के लिए जो है यहाँ पर जो है नीचे दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले लॉग इन कीजिए अपने पेटीएम को, गो टू पेंडिंग ट्रांजेक्शन, जो वहाँ पर पेंडिंग ट्रांजेक्शन है उसको हमें क्लियर करना है। तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अप्रूव द पेमेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम रिलायंस जियो इन्फोकॉम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है 5 मिनट का हमें टाइम मिल जाता है। तो उसके बाद हम फिर से बैक करेंगे अपने होम स्क्रीन से। उसके बाद फ्रेंड्स हम अपने पेटीएम में दोबारा से वापस आ जाएंगे और जो हमारा जो ऊपर जो ब्लू बॉक्स आ रहा है इसको जो हम स्लाइड करेंगे, तो स्लाइड करने पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यह भीम UPI का जो है एक ऑप्शन आ रहा है, तो हमें इस पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स ध्यान रखिए यहाँ पर ये सारा प्रोसेस जो है आपको 5 मिनट के अंदर अंदर करना है। तो उसके बाद फ्रेंड्स हमें जो है यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि हमारी जो है भीम UPI की पूरी एक ID भी खुल के आ गई है। और जब हम इसे थोड़ा ऊपर करते हैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पेमेंट की एक रिक्वेस्ट आई है रिलायंस जियो इन्फोकॉम की तरफ से। यहाँ पर जो है फ्रेंड्स हमें जो है डिसलाइन और पे का जो ऑप्शन आ रहा है, तो हमें जो है पे के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम फ्रेंड्स अब इसको क्लिक करेंगे तो हमारी पेमेंट वहाँ पर चली जाएगी और 50 रुपीज़ का जो कैशबैक है वो हमारे इस पेटीएम के वॉलेट में दोबारा से आ जाएगा। तो हमें फ्रेंड्स यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करना है। तो 50 का कैशबैक हमें वहाँ पर मिल गया हमारे जियो ऐप में वाउचर के द्वारा और 50 का कैशबैक हमारे अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर फ्रेंड्स पे पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें दोबारा से पे पर क्लिक करना है। तो उसके बाद फ्रेंड्स हमें जो है प्रोसीड्स पर क्लिक करना है। प्रोसीड्स पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स हमें जो अपनी जो है 4 डिजिट की पिन डाल देनी है और पिन के डालते ही हम जैसे ही हम राइट करेंगे तो हमारी पेमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो है मेरी पेमेंट सक्सेसफुली हो गई है और मेरा वाउचर जो है रिचार्ज हो चुका है और इससे रिलेटेड जो है मेरा जो है मैसेज भी मेरे मोबाइल पर आ चुका है। तो अभी हम फ्रेंड्स बैक करके अपने जो है जियो वाउचर में देख लेते हैं कि हमारा वहाँ पर भी जो है रिचार्ज सक्सेसफुल का शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं कि पेमेंट सक्सेसफुल का जो राइट क्लिक आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पर जो है शो हो रहा है और कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सेव 50 ऑन दिस रिचार्ज। तो यहाँ पर अभी 50 रुपीज़ का जो है एक मैसेज भी आ रहा है कि जो हमें रिचार्ज पर ऑफ मिला है और मैंने जो यहाँ अमाउंट जो है 505 यहाँ पर पेड किया। तो जो 50 रुपीज़ का रिचार्ज है फ्रेंड्स वो मेरे अगले 24 घंटे के अंदर मेरे जो है वॉलेट में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आज की मेरी वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी और वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है और अगर चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से यार चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बगल वाले बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। इससे होगा क्या कि फ्रेंड्स जब भी हम अपने चैनल पर कोई वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिल जाएगी और कोई भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस नहीं होगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई यूजफुल टेक्निकल जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।